ये सिस्टम चेंज कर दिया इसमें, ब्रेक की पूरी लगी हुई इसमें 11 नंबर क्लियरेंस 2 फीट है इसका, ताकि नीचे इसका चार्ज अलग रहेगा। जैसे आपको पता है हर वीट है, कोई स्टेप नहीं लगानी है, टायर रखना है उसके लिए हो गई। नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉटी 787 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, तो इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी 21.5 लाख रुपये में, 21,50,000 रुपये में। और जब भी आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो उस टाइम पर जो प्राइस होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आप कॉल करके भी इन्फॉर्म ले सकते हैं। जैसे इनके प्राइस आपको पता बार बार चेंज होते रहते हैं, तो जब भी इनमें परिवर्तन होगा आप 2 साल बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद जब भी वीडियो देखते हैं उस टाइम पर अगर आप सोचें कि ये प्राइस होगा उसमें हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। तो अभी का जो करंट प्राइस है वो अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी अपना उस टाइम पर पता कर लें एक बार। तो इसके ऊपर आप लोन भी करवा सकते हैं, लोन भी अवेलेबल रहेगा इस मशीन पे। और इसका चारों तरफ का एक बार लुक देख लो, फिर अपना जैसे बताते हैं आगे से शुरू करके पीछे तक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो जैसे इसका चारों तरफ का आपने लुक तो देख लिया, तो यहाँ पर रोड है नज़दीके तो साउंड को थोड़ा इग्नोर करना, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी सबसे पहले फ्रंट पे बात करें तो इसमें आपको 51 इंची फिटर मिल जाता है, 51 इंची, और हैवी ड्यूटी की इसमें चैन मिलती है, काफ़ी मजबूत है। डबल पट्टी 3 चैन है, और एक ये चेंज कर दी, जैसे पहले देखते थे यहाँ पर एक गिरा दी आती थी गिरा टाइप में, ये पूरी बंद कर दी, तो ये सिस्टम चेंज कर दिया इसमें। तो ये कुछ अलग है, लाइटें जैसे 4 फुट वाली मिलती है इसमें चौरस मिलती हैं, इसमें गोड़ दी गई हैं और डबल हैं जैसे, और 3 ऊपर 2 उससे ऊपर जैसे अपने रूफ में उनके ऊपर कवर है, जैसे पेड़ के पेड़ पैड वाले क्षेत्र होते हैं उनमें जब लगता है तो इनके टूटने का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद इसमें सैनिक का गियर बॉक्स मिल जाता है और सैनिक के ये ब्रेक है, और पूरा हैवी इसमें ये मिल जाता है जैक सिस्टम है, और साथ में केमिकल राड है, पूरी मजबूत दे रखी है। 18-34 के टायर है जो सभी हार्वेस्टर मिलते हैं, गुडियर कंपनी के लगाए गए हैं इसमें, और सिंपल ऑफ कर दिया गया है, और ये इसकी शील्ड हो गई, ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से दे जाती है। ये हाईलो वाला जैक हो गया, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी मीडियम हाई में खड़ी है कुछ है। और ये BKS की ये पूरी 31-75 साइज है इसका, 17-11 की, अभी 11 की पूरी लगी हुई है इसमें 11 नंबर के, और 7 नंबर की पूरी असम्बली है 11 नंबर के, आगे जो ये दोनों सापट हैं ऊपर वाले थ्रेसर वाले दिए, और 7 नंबर की असम्बली है पूरी। यह हाईलो वाला हो गया, और डबल बैटरी बॉक्स, टूल बॉक्स ऊपर भी अलग टूल, फ्यूज, और 7 नंबर की इसमें क्रैंक मिल जाती है। और इसके पीछे के टायर की बात करें तो अपोलो के 916 के टायर हैं, और नीचे से इसकी 2 फीट हाइट मिलती है, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस 2 फीट है इसका, ताकि नीचे किसी चीज़ को टच ना हो तो पूरी हाइट दे रखी है। पीछे आप इसमें सिस्टम भी लगवा सकते हैं अगर चाहें, ये कस्टमर चॉइस है, तो इसका चार्ज अलग रहेगा जैसे आपको पता है हर वीडियो में आपको बताया जाता है। और पीछे आप इसके लुक देख सकते हैं जैसे, तो इसके साइड से प्रोफाइल देखेंगे, इस साइड ये लाइट देख लो आप, पीछे बैक लाइट काफ़ी सुंदर मिल जाती है। 350 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और ये एयर टैंक हो गया, बैक ट्विटर, यहाँ पे जैसे अलग से कोई स्टेप नहीं लगानी है, टायर रखना है उसके लिए हो गई, और ये बर्मे, ये पूरी असेंबली 7 नंबर की पूरी असेंबली, सिंपल इसमें रेडिएटर मिल जाता है, 101 HP का 6 सिलेंडर लाल इंजन मिलता है जो 101 HP प्रोड्यूस करता है, वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है ये, और ड्राई टाइप का इसमें एयर क्लीनर है, ये फैन इसमें मिल जाता है, और ये हॉर्न मिल जाता है साथ ही प्रेशर वाला। तो ये थी कुछ नीचे की मशीनें 51 इंच में, और अगर आप छोटी बड़ी लेना चाहते हैं वो अपनी डिमांड पर मिल जाएगी, इसको आप पूरे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे एक सेकेंड चलते हैं मशीन के ऊपर,
तो स्टार्टिंग में आपको ये फ्लैट का, कटर का, ऑगर का और ये बास्केट है, चारों लीवरी साइड मिल जाते हैं, सीट, स्टेयरिंग और क्लच, ब्रेक और रेस। ये साइड ऐसे हो गए, कुछ इस प्रकार से आगे का लुक रहेगा। और इस साइड फिर रेस आ गई, रेस का आ गया, कटर का आ गया, आई लोक आ गया। मशीन को आई लोक करने के लिए, तेज़ और धीमे करने के लिए, ये कटर को ऊपर नीचे करने के लिए, रील को ऊपर नीचे करने के लिए। और रेस जो एक्सीलेटर बोलते हैं, पैर वाली भी दे रखी है नीचे। ये बैक गियर आगे, पहला पीछे, दूसरा आगे, तीसरा पीछे। फिर इसमें यह इंजन आरपीएम मीटर आ गया और टेम्परेचर का आ गया और इंजन ऑयल के प्रेशर का आ गया और ये बैटरी का आ गया नीचे इस साइड। यहाँ से की लग के स्टार्ट होगी मशीन और इससे बंद होगी। और ये लाइटों के हो गए, ये हॉर्न का हो गया। साइड में ड्राइवर सीट है और उस साइड है ये टूल बॉक्स है। साइड में मिरर लगने रहते हैं, अभी बीच वाला मिरर लगा हुआ है। और यहाँ पर डबल हॉर्न मिल जाते हैं और 18 से 20 क्विंटल का इसमें ग्रैंड टैंक हो गया। हर पार्ट पर लाइट है। और इंजन की आपको बता चुके, जैसे 6 सिलेंडर लाल लिनो 101 एचपी का वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम के साथ है। ये थी मशीनें, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। तो आपको ये मशीन कैसी लगी? और हाँ, इसके ऊपर अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस है, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।